हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। ये टॉपिक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी इस टाइम पे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं आपके, एसएससी हो, प्लस पुलिस हो, बैंक हो, रेलवे हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने लिए हुए हैं जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टे सेकंड एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो स्पेशली उनके लिए भी ये वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, ये वीडियो उनके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगी, सभी के लिए बेनिफिशियल होगी जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये मेरी दोस्तों फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो भी आपको मिलती रहेगी टाइमली, सेकंड वीडियो भी आपको मिल जाएगी और थर्ड वीडियो भी मिल जाएगी। फोर्थ वीडियो में इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 19,800 रुपये में बेचा हो तो उसे 10% का लाभ हुआ, बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। ये जो मैंने यहाँ पर साइड में आपको बता रखा है, ये फॉर्मूले बेस पे आपको सॉल्यूशन करना होगा। यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमको दिया गया है, प्रॉफिट 10% का है, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला ये होता है। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखिए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी अप्लाई करनी पड़ेंगी। अगर आपको बेसिक मेथड आता है तो बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए समय का ख्याल रखते हुए शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए। अगर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती हैं तो आप फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसमें बगल में मैंने एक और मेथड दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे, सी पी इज इक्वल टू 100% होता है। ये आप सभी जानते होंगे, कोई भी कॉस्ट प्राइस है वो 100% के बराबर होगा, ठीक है। प्रॉफिट 100% के बराबर क्या होगा, 100% ही होता है वो सीपी, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, 10% प्रॉफिट, यानी जो एसपी होगा वो 110% होगा। 110% बराबर है 19,800 के, तो 1% बराबर होगा 110 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 100% हमें निकालना है, 100% मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 11 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 198 को, तो 18 आ जाएगा, 18,000 सीपी होगा आपका, सीपी होगा 18,000। इस साइड में हमने एक और बढ़िया सा मेथड दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया मेथड है, आप लोग जरूर यूज़ करिए एग्ज़ाम में। एसपी हमको दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है, यानी एसपी हमारा 110% है, तो जो हमारा एसपी दिया गया है वो 19,800 है, तो 19,800 है क्या, 110% है, 110% से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा सीपी फाइंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक व्यक्ति एक किताब को 16/2/3% के प्रॉफिट यानी लाभ पे बेचता है तो उसे उस किताब के 350 रुपये प्राप्त होते हैं, मतलब समझ रहे हैं इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, प्रॉफिट 350 रुपये में इंक्लूड है, बताइए किताब का क्रय मूल्य क्या है। किताब का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, यानी 16/2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6, 1/6 लिख सकते हैं, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु 7 रुपये, यानी वस्तु जो है वो 7 के बराबर होगी, यानी 7 बराबर हो गया 350 के, यानी और 1 बराबर हो गया 50 के, तो 6 बराबर 300 के, तो समझ पा रहे होंगे आप कैसे आ गया ये 300 कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा मेथड यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ऐसे आप कर सकते हैं, यानी 6/7, 6/7 इसलिए कर लेंगे क्योंकि 7 में 1 कम कर देंगे, क्यों कम करेंगे, क्योंकि हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है। 7 क्या है, 7 में अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ लिया हुआ, तो शॉर्ट ट्रिक्स यहीं से बन जाती है, 7 बराबर है 350 के, तो 7 से हम 350 को डिवाइड करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। चलिए सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 14/2/7% की हानि पर बेचा तो उसे उस वस्तु के 12,000 रुपये प्राप्त हुए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें हानि मैंने ले ली है, ठीक है, हानि ले ली है, मतलब इस क्वेश्चन में हानि दी गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। अगर मेथड आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा, और आपको कोई भी समस्या आती तो प्लीज़ हमको कमेंट जरूर करिए, आपको कोई भी समस्या आ रही कमेंट करिए, हमें बताइए, हम उस टॉपिक में भी वीडियो बनाएंगे और डालेंगे, और बहुत ही बढ़िया, आपको अगर समझ में आ रही है तो बिल्कुल लाइक करते रहिए। तो इसमें दिया गया है 14/2/7% को हम लिख सकते हैं 1/7, यानी 7 में 1 की कमी हो गई, तो 6 में बेची गई, 6 बराबर 12,000 के, तो 1 बराबर 2,000 के, 7 बराबर 14,000 के, यानी जो 14,000 आपका आया हुआ है वो क्या है,
कॉस्ट प्राइस है उसको, कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा होता है तो क्या होती है, हानि होती है सेलिंग प्राइस से, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो हानि होगी। चलिए बॉक्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉक्स में मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हुआ है, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 7/6, ठीक है तो समझ पा रहे होंगे, 6 से हम डिवाइड करेंगे 12,000 को और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी 2/3 अंकित मूल्य का 2/3 बेचा जा रहा है दोस्तों, के मूल्य पर, अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है तो अंकित मूल्य का 2/3 बेचा जा रहा है, मतलब अंकित मूल्य हमें पता नहीं है कितना है अंकित मूल्य, तो 2/3 हमने फ्रैक्शन ले लिया, 2 = 90%, के 90% कहाँ से आया, क्यों, क्योंकि 10% की हानि हो रही है तो हानि 10% की हो रही तो 90% के बराबर होगा, यानी 2 हो गया 90% के बराबर, तो 1 = 45% के और 3 = 135% के, तो आपका जो 3 आया है वो 135%, यानी ये है अंकित मूल्य 135, तो 135 से 100% को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 35%, 35% क्या हो रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है अगर अंकित मूल्य में आप बेचते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 6/7 मूल्य पर बेचा तो उसे 2% का लाभ हुआ, अगर वो 6/7 मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य के 6/7 मूल्य पर बेचता है तो उसको 2% का लाभ होता है, अगर अंकित मूल्य पर बेचे तो उसको कितना परसेंट का लाभ होगा, ये पूछा गया अंकित मूल्य में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, यानी 6/7 हमने ले लिया, 6 = 102%, 102% आया कहाँ से, 100% देखिए कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस 100% है उसमें 2% का प्रॉफिट हो रहा है तो 102% हो गया, 6 = 102% के तो 1 = 17% के तो 7 = 119% के, यानी 119% क्या है अंकित मूल्य है, 119% से हम 100% को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19%, 19% क्या है हमारा प्रॉफिट अगर अंकित मूल्य में बेचते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 5/6 मूल्य पर बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, यदि वह उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचे तो लाभ प्रतिशत बताइए, यानी 5/6 यानी जो बेच रहा है वो अंकित मूल्य से कम में बेच रहा है, क्यों, क्योंकि 5/6 है। ठीक है फ्रैक्शन में आप देख पा रहे होंगे इसमें अंश क्या है, हर से हर की तुलना में कम है, तो 5 = हो गया 105 के, 105 कहाँ से आया 100+5, यानी 5 = 105 के, 1 = 21 के तो 6 = कितने के हो जाएगा 126% के, यानी 126% क्या होगा अंकित मूल्य, 126% से हम 100% को माइनस करेंगे तो 26% क्या आएगा प्रॉफिट अगर हम अंकित मूल्य में बेचते हैं तो हमें इतने का लाभ होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 16/2/3% की अगर छूट देती है देने के बाद भी, अंकित मूल्य पर 16/2/3% की छूट दी जा रही है तो 5% का लाभ होता है, यदि छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, मतलब छूट जब दी जा रही है तब 5% का लाभ हो रहा है, तो समझ पा रहे होंगे हम इसको करेंगे कैसे, परसेंट से हम रिमूव कर लेंगे, परसेंट को रिमूव कर देंगे यानी फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 1/6 को हम 16/2/3% को हम 1/6 लिख सकते हैं, मतलब 6 में से 1 की अगर हम कमी कर देंगे, छूट दे देंगे 6 में से 1 कम कर देंगे तो 5 = होगा 105% की, 105% यानी 100%+5%, इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है 1 = 21% के, 6 = 126% के, 126% क्या है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य से 100% को माइनस करेंगे 26% आएगा, 26% हमारा प्रॉफिट होगा अगर हम उसको छूट नहीं देते हैं तो। ठीक है दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 1/6 कम में बेचने पर 5% का लाभ हुआ, यदि उसे अंकित मूल्य पर ही बेच दें तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी ये समझिए अंकित मूल्य के 1/6 कम में बेचने पर, अंकित मूल्य का 1/6 कम करके अगर इसको आप लगाएंगे तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ठीक है एक्स मान के बिल्कुल भी नहीं करना, मैथड समझना है, मैथड करना कैसे समझना है उसको, 1/6 दिया गया है यानी 1/6 यानी 6 में 1 को हम अगर कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 = होगा 105% के, मतलब उस 6 में 1 कम कर रहा है फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 का प्रॉफिट हो रहा है 5% का, तो 100%+5% यानी 105% 5 = होगा तो 1 = होगा 21% के, 6 = 126% के। ठीक है
अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा। अब ये जो 126% है, ये 126% है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य भाई कॉस्ट प्राइस तो कम होगा ना, अंकित मूल्य अलग होता है, कॉस्ट प्राइस अलग होता है। अंकित मूल्य होता है एमपी यानी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो 126% से हम 100% को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 26%। 26% होगा प्रॉफिट कब, जब हम अंकित मूल्य में बेचेंगे, 106% कम करके नहीं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, ना समझ पा रहे हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा यार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 नंबर पे आते हैं। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचा। पहली वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये आपको निकालना है। दूसरी वस्तु पर उसको कितने प्रतिशत की हानि होगी यदि यदि कुल व्यापार में उसे ना ही हानि और ना ही लाभ हो, मतलब ना ही लाभ हो और ना ही हानि हो, ऐसा बताना है। पहली वस्तु पे मतलब 4,000 रुपये का उसने जो बेचा, तो पहली वस्तु पर उसको कितने का लाभ हुआ, 25% का, और दूसरी वस्तु में उसको कितने की हानि हुई कि उसको पूरा इक्वल लाभ, मतलब ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है, ठीक है, ना ही लाभ हो ना ही हानि हो, तो वो हमको बताना है कितने की दूसरी जो वस्तु है उसमें कितने की उसको हानि हुई है। तो पहले ये देखेंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस अगर 4,000 रुपये है तो ये आया कहाँ से, 3,200 रुपये कहाँ से आया, 3,200 रुपये कब आया, 3,200 रुपये जब आया, ये सेलिंग प्राइस है, देखिए कॉस्ट प्राइस निकाला हुआ है, मतलब 25% के लाभ पर बेचा, तो बेची कितने में गई, 125% में, 100% वाली वस्तु 125% में बेची गई है, तो 125% इसका, इससे हम डिवाइड कर देंगे 4,000 को 125% से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 3,200 रुपये। यानी 3,200 रुपये की वस्तु को यहाँ पर 4,000 रुपये में बेचा गया है, और दूसरी जो 4,000 में बेची गई है वो हमें यहाँ पर निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो हमें ये पता था कि 4,000 में दो वस्तुएं बेची गई हैं, ठीक है, तो इसका यहाँ पर सेलिंग प्राइस अगर इकट्ठे में बेची जाएंगी तो 8,000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 8,000 हमने लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि, यानी टोटल जो अमाउंट होगा वो 8,000 होगा जाके, ठीक है। एक में हमको हो गया, इसमें तो प्रॉफिट हो गया, इसमें 25% का प्रॉफिट हो गया, अब इसमें नहीं पता कितने का प्रॉफिट हुआ, तो उसको निकालने के लिए हमने इससे क्या किया, 8,000 से 3,200 रुपये को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा यहाँ पर आ गया 4,800 रुपये। यानी 4,000 रुपये में जो वस्तु बेची गई है वो 4,800 रुपये वाली वस्तु 4,000 में बेच दी गई है, तो 4,800 रुपये मतलब कितने का इसको लॉस हो गया, इसको जो लॉस हुआ वो 800 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। 800 रुपये का लॉस हुआ कितने में, 4,800 रुपये में, सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी कैलकुलेट करेंगे, सब डिवाइड करेंगे, तो हमारा यहाँ पर जो लॉस आएगा 16.2%। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जिन लोगों ने पहली बार वीडियो को देखा हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर की बटन आपको दी होगी, और घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। घंटी को दबाने से आपको ये बेनिफिट है कि टाइमली मेरी जो आने वाली नई वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी, और इस प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।